दोस्तों, स्वाद का तड़का में स्वाद के एक और नए तड़के के साथ मैं ऋतुजन फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक गुजराती स्नैक डिश सैंडविच ढोकला। फ्रेंड्स, गुजरात की ये फेमस डिश अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है। आज हम इस डिश का एक फेमस वेरिएंट यानी सैंडविच ढोकला बनाएंगे। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि इससे ढोकला काफ़ी जालीदार, स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। तो बिना देर किए चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसमें लगने वाले इन्ग्रीडियंट्स। दोस्तों, हमारा आज का मेन इंग्रेडिएंट है रवा, जो मैंने यहाँ करीब 250 ग्राम लिया है। इसके अलावा हमें लगेगा एक बाउल दही, जो लगभग रवे के बराबर है, मगर दही का ये एग्जैक्ट रेशो नहीं है। हम आगे ज़रूरत के हिसाब से दही कम या ज़्यादा करेंगे। और हमें लगेगा ऑयल, राई, तिल, नमक, मिंट लीफ, कड़ी लीफ, जीरा, कोरिएंडर लीफ, 3 से 4 लहसुन की कली, नींबू, इनो और 3 से 4 हरी मिर्ची। दोस्तों, अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें रवा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमें इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हमें ध्यान रखना है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। रवा और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। अब हम इसको करीब आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि रवा अच्छे से फूल जाए। दोस्तों, रवा और दही आपस में जब तक घुल मिल रहे हैं, हम सैंडविच ढोकले की चटनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें हरी धनिया डालेंगे। मिंट लीफ डालेंगे, लहसुन डालेंगे, 2 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, करीब आधा चम्मच नमक डालेंगे और लेमन जूस डालेंगे। और इन सबको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। सैंडविच चटनी बनके तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, करीब आधा घंटा रेस्ट करने के बाद रवा अच्छी तरह फूल गया है। फ्रेंड्स, हम सैंडविच ढोकला बना रहे हैं, जो हम 3 लेयर में बनाएंगे। इसके लिए हम रवे के घोल को 3 अलग अलग पॉट में बांट लेंगे और फिर लेयर बाय लेयर ढोकला बनाएंगे, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। अब हम ढोकले को मल्टी लेयर में स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे कुकर में एक हाइटेड स्टैंड रख दिया है, ताकि बैटर में पानी ना जाए। अब हम कुकर को गर्म होने देंगे। अब हम जिस कंटेनर में ढोकला बनाएंगे उसकी अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे, ताकि ढोकला इसमें चिपके ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम ढोकले का पहला लेयर तैयार करते हैं। उसके लिए हम रवे के घोल का एक पोर्शन लेंगे। उसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे ढोकला ड्राई नहीं लगता। करीब आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच इनो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा थिक दिख रहा है तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको चारों साइड अच्छे से फैला देंगे और हल्का सा टैप करेंगे, ताकि इसमें एयर बबल्स ना हो। कुकर भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये कंटेनर इसमें रख देंगे और इसका कवर लगा देंगे। आप ध्यान रखें कुकर की विसल और रबर निकाल लें। अब हम इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे।
जब तक ढोकले की पहली लेयर स्टीम हो रही है, हम दूसरी लेयर तैयार करेंगे। उसके लिए हम रवे के घोल का दूसरा पोर्शन लेंगे। उसमें हम हरी चटनी डालेंगे। यहाँ पे मैं करीब 3 चम्मच हरी चटनी यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी बैटर में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और करीब 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम आखिरी में इसमें इनो डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और पहला लेयर हल्का पक चुका है। अब हम कंटेनर को बाहर निकालेंगे। अब हम इसमें दूसरा लेयर डालेंगे। और इसको भी अच्छे से टैप कर लेंगे। अब हम कंटेनर को वापस से कुकर में रखेंगे और इसे 3 से 4 मिनट वापस से स्टीम होने देंगे। अब हम ढोकले की तीसरी लेयर तैयार करेंगे, जैसे हमने पहली लेयर तैयार करी थी। तीन से चार मिनट हो गए, ढोकले की दूसरी लेयर भी हल्की पक चुकी है। अब हम कंटेनर को वापस से बाहर निकालेंगे। अब हम इसमें वापस से घोल डालेंगे और इसको भी टैप करके सारे साइड अच्छे से फैला लेंगे। अब हम कंटेनर को वापस से कुकर में रखेंगे और 15 से 20 मिनट ढोकले को अच्छे से स्टीम होने देंगे ताकि इसकी तीनों लेयर अच्छे से पक जाए। करीब 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ढोकला रेडी हुआ कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ढोकला रेडी हो चुका है। अब हम इस कंटेनर को बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है, हम ढोकले का तड़का तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक तड़का पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें राई डालेंगे, थोड़ी सी तिल डालेंगे, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढोकला भी ठंडा हो गया है। अब हम ढोकले को साइड से चाकू की मदद से कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। अब हम एक प्लेट लेंगे और ढोकले के ऊपर उसे कवर करेंगे और इसे पलट देंगे। अब हम इसको थोड़ा टैप करेंगे। अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे। ढोकला तैयार है, अब हम इसमें तड़का डालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है जालीदार, स्पंजी और सॉफ्ट सैंडविच ढोकला। मुझे पूरा यकीन है ये डिफरेंट स्टाइल का सैंडविच ढोकला आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं स्वाद के एक और नए तड़के के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग स्वाद का तड़का। बाय बाय एंड थैंक यू।